नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमकेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। गुजरात में विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे की जीत है, प्रधानमंत्री के भरोसे पर जनता ने मोहर लगाई है। बता दें कि लगातार मतगणना गुजरात में जारी है और गुजरात में रुझानों का दौर खत्म हो चुका है और नतीजों का दौर भी शुरू हो चुका है। कई सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुजरात की जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। जनता ने पीएम मोदी के भरोसे पर मोहर लगाई है और पीएम मोदी पर जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है। ये जीत पीएम मोदी की और तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है। भूपेंद्र पटेल ने ये सारे बयान दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़ी खबर गुजरात से आपको बता रहे हैं, जहां पर रुझानों का दौर अब खत्म होने वाला है और नतीजों का दौर अब शुरू हो चुका है। बता दें कि कुछ सीटों पर स्पष्ट नतीजे भी आ चुके हैं, कुछ सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने गुजरात वासियों जनता को शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी गुजरात वासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया है, उन तमाम नेताओं को भी धन्यवाद दिया है जिन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की है और इस बड़ी मार्जिन से बीजेपी को जीत दर्ज करवाई है। बड़ी खबर गुजरात से मिल रही है, जहां पर गुजरात में लगातार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गुजरात की जनता का उन्होंने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है और ये जीत बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की है और बीजेपी को इतनी बड़ी मार्जिन से जिताया है। बता दें कि लगातार 27 सालों से बीजेपी का ही राज है और जीत ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। 155 से अधिक सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं कांग्रेस 20 सीटों पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। कांग्रेस लगातार 50 सीटों से पिछड़ती दिख रही है और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 50 सीटों से पीछे है, नुकसान है सीधा सीधा। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है, ये जीत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की है, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। लगातार गुजरात में विधानसभा चुनाव की मतगणना की जा रही है, रुझानों का दौर खत्म होने वाला है, नतीजों की शुरुआत भी हो चुकी है। कई सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, कई सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता का आभार व्यक्त किया है। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गुजरात से ही मिल रही है, जहां पर 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां पर 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। और ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से मिल रही है, जहां पर 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से मिल रही है, जहां पर 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। और बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं
और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से मिल रही है, जहां पर 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होने की आशंका है। बता दें कि ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है और 155 सीटों से अधिक बीजेपी ने बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में बहुमत से बहुत आगे निकल चुकी है बीजेपी। और बता दें कि इसी बीच ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह कर सकती है और उस बता दें कि इस बड़ी समारोह में, बड़े जलसे में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि लगातार गुजरात में मतगणना जारी है विधानसभा चुनाव की और इसी बीच 155 से अधिक सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझान में बहुमत से आगे निकल चुकी है बीजेपी।